चलो बता दो अब इसके बारे में, इंडिगो के बारे में बता दो अब, कैसा लग रहा है? फेवरेट कार है आप दोनों की, है ना? इसके सामने ये सबसे पावरफुल है गाइस, पावरफुल कार इस इंडिगो ओनली गाइस। पहले सबको लग गया था कि ये खराब है ऐसी है, बट नहीं, इसके अंदर पावर आ गई थी गाइस। पावर इनमें आ गई थी। चलो सो आज हम आए अपनी इग्निस सिग्मा मॉडल की डिलीवरी लेने, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी जो पुरानी गाड़ी थी इंडिगो उसको स्क्रैप करा के एक्सचेंज कराया है, तो हमें जो उसकी मार्केट वैल्यू मिली थी वो अराउंड 80K के आसपास मिली थी, इंक्लूडिंग ऑल दी यू नो, जो इसमें हमें जो एक्सचेंज बोनस मिला था, गाड़ी की वैल्यू 32,000 लगाते हैं स्क्रैप वाले इंडिगो की, और इसमें 20,000 के आसपास हमें जो वो बोनस मिल गया था, प्लस 10,000 हमें RC में डिस्काउंट मिल गया था इसकी वजह से। बट हाँ, आपने देखा वो गाड़ी तो ठीक थी, बट ठीक है वो 14 years old हो गई थी, और बार बार उसका काम कराने से अच्छा तो हमने न्यू ले ली। बट ये दोनों बच्चों देखें कि इनको कितना लगाव था, अनाया इज 7 years यू नो ओल्ड, तो उसके लिए तो ये काफ़ी यू नो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था कि हम उस गाड़ी को दे रहे हैं, तो इसी वजह से ये दोनों रो रही हैं कि हम वो गाड़ी को क्यों दे रहे हैं, आप न्यू गाड़ी क्यों ले रहे हो। तो यही है जी बच्चे। बट हाँ जी, ये है कि अभी हमने पेट्रोल गाड़ी ले ली है इंडिगो को देखे, तो सिग्मा मॉडल है, 82 BHP की पावर है, 4 सिलेंडर 1200 CC इंजन, मोस्टली माउंटेन्स में ही ड्राइव करनी होती है तो उसके लिए ये मस्त थी, एंड ऑल दी यू नो इम्पोर्टेंट फीचर्स आर देयर, लाइक फ्रंट पावर विंडोज़ हैं, सेंट्रल लॉकिंग जो है वो एज डिफ़ॉल्ट ओरिजिनली अनेबल हो जाएगी, ऑल ब्लैक इंटीरियर है, लेस मेंटेनेंस हो जाएगी इसकी वजह से, बाकी मारुति की रिडिफाइनमेंट तो आपको पता ही है, एंड ये देखिए भाई गाड़ी किसी एंगल से लग नहीं रही है ये स्क्रैप होने वाली, बट स्क्रैप से ही इसकी वैल्यू ज़्यादा मिल रही थी इंस्टेड ऑफ इसको यू नो बाहर बेचने से। देखिए जी, फर्स्ट काम हमने जो किया है, सबसे पहले ये गाड़ी जब मैंने शोरूम से बाहर निकलवाई, सबसे पहले मैंने गाड़ी को आगे और पीछे दोनों से लिफ्ट करवाया है। पीछे जो है हमने ये मेटल के जो ये हाइट इंक्रीज़र लगवाए हैं, आगे जो हमने लगवाए हैं वो भी मेटल के हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो रीज़न की मैंने गाड़ी की हाइट इंक्रीज़ करवाई क्यों है, क्योंकि गाड़ी के साथ आते हैं R15 inches के व्हील्स, तो मेरे को जो थे R16 inches के, वो मेरे को जो व्हील इसमें डलवाने थे जिसकी वजह से हाइट इंक्रीज हुई है, कि और इसके अलावा मैंने टायर की प्रोफाइल भी बढ़ाई है, तो अराउंड 1.5 inches ऑफ हाइट जो इसमें इंक्रीज हुई है ग्राउंड क्लीयरेंस। जी ये कंपनी के R15 ब्रिजस्टोन इकोपिया टायर थे, तो ये सिर्फ टायर मैंने 4500 का दिया है, और उसके बाद मैंने अपोलो स्क्यूरा ड्राइव लिए R16 inches, और ये पर टायर जो है वो 5800 का मुझे पड़ा है, तो डिफरेंस जो है वो 5200 का मैं दूंगा इनको, प्लस हाँ जो क्योंकि इनके जो स्टील रिम है वो मैंने बचा लिए हैं एज इट इज़, तो उनको जो निकालने का जो प्राइस लगेगा वो अलग से होगा, तो अराउंड 5500 के आसपास मेरा सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये आप लुक देखें, 15 की जगह मैंने 16 inches टायर डलवा लिए हैं, तो आप ये देखें कितने बढ़िया लग रहे हैं। अभी इसको मैं अच्छे से कलर करवाऊँगा, ये मैंने लिए 2700 rupees के, और इसमें अभी 1000-2000 का जितना 2000 का रंग होगा तो 5000 के अंदर मेरे ये 16 inches के अलॉय व्हील हो गए। और अब लुक देखें पीछे से, ये लेफ्ट हैंड साइड R16 है और ये R16 है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये स्टील रिम है, ये अलॉयज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो i20 है हुंडई की, जो उसकी सेकेंड जनरेशन में उसके मिड मॉडल्स में ये वाले स्टील व्हील्स आते थे, जिसके ऊपर व्हील कवर लगने के बाद उसकी अलॉय टाइप ही लुक हो जाती, तो आप ये देखिए कि मेरे को ये 3000 के पड़े हैं ये चारों स्टील व्हील सेकंड हैंड, और अब ये देखिए इसको अलॉय अब कैसे बनेंगे, ये देखिए इनकी जो थर्ड जनरेशन है उनके व्हील कवर मैं इसके ऊपर लगवा रहा हूँ, अब आप ये देखना कितना ज़्यादा फर्क आ जाएगा, कि अब ये देखिए आप अलॉय लगने शुरू हो गए इसमें, और ये जो है व्हील कवर ये भी मैंने सेकेंड हैंड लिए हैं,
और ये 1500 के आसपास मैंने लिए हैं। तो आप ये देखें कि अंडर 5000 मेरे 16 इंचज अलॉयज आ गए हैं, और 5500 के मैंने टायर्स जो हैं अपग्रेड कराने के दिए थे फ्रॉम 15 to 16 इंचज। तो 11-12 हज़ार रुपये के अंदर मैंने 15 से 16 इंचज इंक्लूडिंग टायर एंड इंक्लूडिंग अलॉय मैंने चेंज करा के अलॉय कर दिया। बताओ इसमें कौन सी डील जो ऐसी है वो मैंने गलत करी है, और ओरिजिनलिटी एज इट इज़ ही है गाड़ी की, और मतलब इसमें साइज़ जो मैंने डलवाया है वो डलवाया 195/60R16, और 1% भी टचिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे बी बिकॉज मैंने गाड़ी को लिफ्ट कराया है इस वजह से, और अब गाड़ी की ड्राइव में भी 1% भी फ़र्क नहीं, जैसे पहले थी वैसे ही अब है। एंड नाउ वी आर इन टू कि हमें अब इसमें सिस्टम लगवाना था लाइक म्यूजिक प्लेयर, तो हमने पाइनियर के कंपोनेंट आगे लगवाए हैं, एंड पीछे जो हैं वो 6.5 इंचज के आई गेस वॉइस टैग के कुछ हैं वो स्पीकर, बट उसका जो मैग्नेट है वो काफ़ी हैवी है। बाद में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो मैंने फील किया है कि पाइनियर के कंपोनेंट से मच बेटर जो साउंड की क्वालिटी है, जो यू नो मिड बेस है, जो बेस की अगर बात करें वो उन स्पीकर की है। और यहाँ पे एंड्रॉयड लगाई है मैंने पैनासोनिक की, सॉरी पी सोनी की, और उसके साथ ये बैक कैमरा लग रहा है अब ओरिजिनल फिटिंग में विद गाइडिंग लाइंस, और ये जो स्पीकर मैं आपको बता रहा था। ओके, अब जो इंडिगो थी उसमें हमारे पास एम्पलीफायर भी था, तो ये जो स्पीकर हैं ये एम्पलीफायर के साथ रन करेंगे, और जो ये स्पीकर देखिए कि पीछे वाली फिटिंग किस तरीके से हो रही है नाउ, ये बिकॉज आपको पता है कि जो एंड्रॉयड होता है इसमें जो ये वायर्स की होती हैं वो उसमें काफ़ी इसका बड़ा स्पाइडर हो जाता है, तो मैंने इसको रिक्वेस्ट करके इनसे ये स्पंज ऐड कराइए ताकि कोई भी मेरे को शटरिंग नॉइस ना आए। नाउ एट द एंड हमारे मोटो मोड्स, ताकि हम इसकी जो ग्लास की जो मिडल्स लाइंस होती हैं और जो ए पिलर होता है उसको ब्लैक कराएं, बिकॉज दैट रियली लुक्स गुड। अभी आप ये देखें, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था काम करने के लिए, और ये एवरी डेनिसन की जो है वो मैट ब्लैक की टेप हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। और अभी आप ये देखिए गाड़ी की लुक कैसे निकल के आई है, ये जो ब्लैक ए पिलर है इससे गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। एंड नाउ जो द फाइनल एक्सेसरी लास्ट में जो बची हुई थी वो थी सेंट्रल लॉकिंग, ये जो है मारुति की जेन्युइन एक्सेसरीज में ही आती है जो कि निपोन देता है। इसके साथ दो कीज़ आती हैं, एक जो सायरन का स्पीकर होता है या बोलें अलार्म के लिए वो होता है उसके अंदर, एक बोनट के नीचे एक हिंज होता है जो अगर इन केस कोई अपार्ट फ्रॉम यू नो की के बिना अगर बोनट खोलने की कोशिश करें तो तब वो सायरन बजेगा। एंड और इसके अंदर एक मॉड्यूल आता है और एक सिक्योरिटी स्विच रहता है जो लाइट ब्लिंक करती रहती है, जो कि हमें बताती है कि आपकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। तो ये आप ये देखें मॉड्यूल की फिटिंग होगी एज इट इज़, ये सारे कपलर इग्निस के अंदर एज इट इज़ जो थे ये इन्होंने छोड़े होते हैं बाय डिफॉल्ट, ये सीधे ही प्लग एंड प्ले वाला काम है। देखिए इवन जो ये निपोन का ये मॉड्यूल लगा रहे हैं उसके स्क्रू कहाँ पे लगेंगे कैसे लगेंगे तो वो सारा कुछ ये इस बॉक्स के अंदर ही है, तो जो कि अराउंड 8000 के आसपास था आई गेस, 72 और मे बी 7700 आई गेस। एंड ये देखिए अब ये फिटिंग हो गई है, और ये सिक्योरिटी का अब अलार्म का जो ये स्विच है वो भी लग गया है। अब जो ये गाड़ी कंप्लीट हो गई है, तो ये मैंने आपको पूरे का पूरा लुक दिखा दिया है कि गाड़ी अब किस तरीके से है। एंड यस द मोस्ट नेसेसिटी इन टूडेज वर्ल्ड, भाई ये डैश कैम भी लगवाया है जो क्यूबो का लगवाया है, ये जो है वो ये 1296 जो इसकी रेजोल्यूशन है, एंड ये अराउंड मेरे को पड़ा था 3900 के आसपास, और मेमोरी कार्ड मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था 64 GB का जो कि अराउंड यू नो 14 डेज की रिकॉर्डिंग को सेव करता है। ये मस्ट हैव एक्सेसरीज है, चीप है, ये एंट्री लेवल का ही है। ठीक है, देखिए कि हमें इसमें 4K वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज ये इसकी जो ज़रूरत है वो जस्ट एंड जस्ट एज एन यू नो प्रूफ ही होना चाहिए हमारे पास। तो ये अब मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ कि किस तरीके की ये इसकी वीडियो की क्वालिटी है, ताकि आप भी डिसाइड कर पाओ कि इन केस आपको डैश कैम लेना है तो वो कौन सा लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।